की महामुनि राज की जय। सर्वप्रथम आचार्य श्री की चरणों में नमस्तु करता हूँ। आचार्य श्री गुप्त नंद गुरुदेव की चरणों में गुरुदेव आज्ञा है आपकी। जी झाया जानकी कम कलंक दहेवी नीच निरंजन नानमय ते परम प्रणवीवी देवनंदी जी को नितनमो ज्ञान के लिए खिल जाए गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम दुल जाए। सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोक यात्रेयं यत् प्रसादात् प्रवर्तते यत् प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गुप्तिनंदी गुरुदेव की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। धर्म स्नेह विषम परिस्थितियां निर्माण हो रही है और विषम परिस्थितियों में जो समता की और सहजता की लहर चल रही है उसमें हम सब लोग अवगाहन कर रहे हैं। कोरोना महामारी कई जीवों के लिए अभिशाप बनी, कई जीवों के लिए वरदान रूप से सिद्ध हुई। जीवन की सच्चाई का पता, जीवन की यथार्थता का बोध हमारे लिए प्राप्त हुआ। आज हम देख रहे हैं लगभग 1 साल से लोग हमारे आचार्य परमेष्ठी हमारे लिए सही मार्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। जो गुणों के भंडार होते हैं, जिनके लिए जो श्रुत के पारगामी होते हैं, शुद्ध समुद्र के पारगामी होते हैं, जिनको स्व समय और पर समय का संपूर्ण रूप से ज्ञान होता है, जो अच्छे चारित्र का पालन करके तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे जो गुरुराज होते हैं वे हमारे लिए सही मार्गदर्शन देते हैं। संयम वर्ष संयम दिवस जीवन में सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं होगा, जीवन अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो जीवन का औचित्य नहीं होगा। गाड़ी कितनी बड़ी है कितनी महान है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितने रुपए की है कितनी रफ्तार से चल रही है ये कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन वह गाड़ी में अगर कंट्रोल करने के लिए ब्रेक नहीं है तो वह निश्चित तुम्हारे जीवन को धोखा देगी, तुम्हारे जीवन को सर्वनाश कर देगी। आप जन्म लिया, क्या प्राप्त किया, कितना वैभव प्राप्त किया,
क्या चीज आपने प्राप्त की ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके जीवन में अगर संयम रूपी ब्रेक नहीं है, आपके जीवन में अगर स्वयं का कंट्रोल नहीं है, आपका जीवन अगर अमर्यादित है तो वह अमर्यादित जीवन हमारे जीवन को खत्म कर देता है। नदी जब तक अपने संयम में बहती है तब तक वह हरियाली सब जगह करती है, लेकिन जैसे ही वह अमर्यादित हो जाती है तो वह संपूर्ण का नाश कर देती है। जिन गुरुओं का हम संयम वर्ष मना रहे, गुरुदेव ने हमें बताया था कि यह महीना बड़ा पावन थिया कि कई आचार्यों के संयम दिवस है, जिन्होंने अपने जीवन में संयम को महत्व दिया। आचार्य के भगवान महावीर का उपदेश संयम बिना एक घड़ो न मुक्को हे भव्य जीव, तो संयम के बिना एक घड़ी भी अपने जीवन को व्यर्थ मत कर। अगर आप अपनी संयम में हैं तो रसोई अच्छी बन जाएगी, लेकिन वही आग अगर असंयम में प्राप्त हो गई, अमर्यादित हो जाती है, तो वह हमारे जीवन का सर्वनाश कर देती है। जब तक प्रकृति अपनी संयम की अवस्था में है, मर्यादित अवस्था में है, तब तक वह प्रकृति हमारे लिए वरदान स्वरूप होती है, जीवन जीने के लिए खुशी देती है, लेकिन जैसी ही वह मर्यादा का उश्रृंखल कर देती है तो वह हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। ठीक हमारा जीवन जब तक हमारा परिवार धर्म की मर्यादाओं में है, संयम की मर्यादाओं में है, तब तक हमारी घर की इज्जत हमारे हाथ में है, हमारी समाज की इज्जत हमारे हाथ में है। जब तक हमारी बेटियां, जब तक हमारे परिवार, जब तक हमारा युवा वर्ग मर्यादाओं में जीता है, तब तक वह समाज का आभूषण बन के जीता है, लेकिन जैसी वह मर्यादाएं भंग कर देता है, मर्यादाएं उश्रृंखल हो जाती है, तो वह संयम छोड़ देते हैं, तो वह परिवार बिखर जाता है। हमारे आचार्य भगवंतों की ये कृपा है, चाहे वो आचार्य शांति सागर महाराज हो, चाहे वो आचार्य विमल सागर महाराज हो, जिन जिन आचार्यों ने हमारे जीवन में संयम धारण करके हमारे ऊपर बड़े उपकार किए, श्री पूनो ने स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, आचार्य गुप्त नंदी महाराज जी भी एक ऐसे ही इस जगमगाते नक्षत्र के माथे पे है, जो सूर्य के समान तेजस्वी, जिनकी वाणी की मधुरता जो हमारे लिए आराधना साधना और तपस्या और त्याग की महत्ता को लिए एक दीप स्तंभ के समान सारे संसार को प्रकाश दे रहे हैं। इन गुरुओं के जितने गुणों को गाए, इन गुरुओं के उपकारों को जितना स्मरण करें, उतना कम है। हम तो छोटे छोटे से पौधे हैं, ये तो कल्प वृक्षों के समान हैं, और जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगने की जरूरत नहीं है। जो भोग भूमि के कल्प वृक्ष हैं उनके पास तो याचना करनी पड़ती है, लेकिन हमारे आचार्य, कितनी बड़ी बात हमारे पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य भक्ति में कही है, सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंद चरित्र साकाड्यम मुनिगण वेगा किरणम आचार्य महाध्रुवम वंदे। बोले मैं ऐसे आचार्य परमिष्ठी को नमस्कार करता हूं जिनके सम्यक दर्शन ही मूल है, जिनकी जड़े सम्यक दर्शन से युक्त है, जिन्होंने अपने जीवन में सम्यक दर्शन को ही अपना सर्वस्व दिया है, जो सम्यक दर्शन के 8 गुणों से सहित है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या, कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है सम्यक दर्शन,
कि किसी किराना दुकान पे चले गए औरंगाबाद के और वहां पर एक कुड़िया में ले लिया सम्यक दर्शन। इतना सहज नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जिन्होंने निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूर्त दृष्टि उपकोहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना इन 8 अंगों को अपने जीवन का आधार बनाया है, जो इन 8 अंगों के साथ अपने जीवन की यात्रा करते हैं, ऐसी आत्मा जो है सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंदम, उस वृक्ष की जो है तना है, उस वृक्ष का स्कंद ही सम्यक ज्ञान है, जो 8 प्रकार के गुणों से सहित है। जो सम्यक ज्ञान के भी 8 गुण होते हैं, जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है वह निरतिचार सम्यक ज्ञान जिनके अंदर होता है, वही व्यक्ति समाज के लिए एक दीप स्तंभ का कार्य करता है। और वह ज्ञानाचार से सुधर मुनिगण वेगा किरणम, और जिनके चारित्र की शाखाएं जिनके ऊपर लगी है और उन शाखाओं पर अनेक प्रकार के मुनि रूपी पक्षी विराजमान हैं, ऐसे जो होते हैं वे आचार्य रूपी कल्प वृक्ष होते हैं। चाहे वो आचार्य शांति सागर महाराज ले लो, चाहे वो आचार्य विमल सागर महाराज ले लो, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ले लो, चाहे वो आचार्य कुंतू सागर महाराज ले लो, चाहे वो आचार्य देवनंदी महाराज, आचार्य कनक नंदी महाराज, आचार्य पद्म नंदी महाराज, आचार्य गुप्ती नंदी महाराज, इन समस्त आचार्य परमेश्वरी एक कल्प वृक्ष के समान है, जिनके ऊपर अनेक मुनि रूपी पक्ष विराजमान है। अनंत उपकार इन आचार्य परमेश्वरियों के हमारे ऊपर है और हम लोगों के ऊपर तो ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे शिष्यों को दीक्षा देकर हमारा कल्याण किया, जो समाज के बीच में चलने फिरने के योग्य बनाए। आचार्य गुप्ती नंदी गुरुदेव के भी 2 चंद्रमा और 2 सूरज है, एक सुयज गुप्त और एक चंद्रगुप्त, ये भी एक होनहार प्रतिभावान योग्य शिष्य आचार्य के शिल्पकारों से मिश्रित है, जो आचार्य गुप्ती नंदी महाराज जी ने जिन्होंने एक सुंदर शिल्पकार के समान इन जीवंत मूर्तियों को गढ़ाया। और भी शिष्यों के लिए उन्होंने दीक्षाएं दी है, और भी शिष्यों के लिए उन्होंने योग्य बनाया है, सम नमोकार से लेकर समयसार की सारी शिक्षाएं उनके लिए दी है। उन प्रतिभाओं को देकर समाज के लिए योग्य बनाया है, निर्वाहन करे, समाज के लिए योग्य मार्गदर्शन करे, समाज के लिए पुण्य कार्य करवाए, उनके लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता दे। क्योंकि अगर आचार्य परमेष्टि का अभाव हो जाएगा तो ना हम हरियंत से मिल सकते हैं, ना सिद्ध परमेष्टि के मिल सकते हैं, क्योंकि आचार्य परमेष्टि ही साधुओं का निर्माण करते हैं, आचार्य परमेष्टि ही हमारे लिए हरियंत और सिद्धों से मुलाकात कराते हैं। इसलिए तो पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि का स्थान बीचों बीच है, कि जो हमारे लिए साधुओं को भी देते हैं, उपाध्यायों को भी देते हैं, जो हरियंत और सिद्धों से भी हमारी मुलाकात करते हैं। इसलिए जहां पर अरिहंत का अभाव होता है, वहां पर आचार्य परमेष्टि ही हमारे लिए हरियंत स्वरूप होते हैं। इसलिए कुंद कुंद आचार्य को मूलाचार के अंदर कहना पड़ा, भिक्कम भक्कम ईयम जो चरदी, जिन सासने होई साधु सो जिन सासने होई भगवम, जो बोले जो भिक्षा से शुद्ध है, जिसका हृदय गंगा के समान निर्मल है, और जो धैर्यवान है, ऐसा जो जिन सासन में साधु है वह साधु भगवान है, वह आचार्य भगवान का स्वरूप है। और ऐसे भगवान के दर्शन रोज प्रातः काल आपके लिए मिलते हैं। धन्य हैं आप लोग, अपने आप को धन्यवाद दो
कि हमारे लिए ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। रोज इनके मुखारविंद से हमारे लिए महाशांति धारा का स्मरण करने के लिए हमारे लिए तो हमारे बीच में कितनी करुणा है, कितनी दया है कि जो हमारे लिए ये सारे के सारे लक्षण तीर्थंकर बनने के है। क्योंकि सारे जगत का उद्धार की भावना लेकर जो चलता है वही आत्मा तीर्थंकर बनता है, वही पंच कल्याणों का स्वामी बनता है। तो जिनके मन में कूट कूट करके दया और करुणा भरी है, सारे संसार के प्राणियों के प्रति उद्धार की भावना है, किसी का भी अमंगल न हो, ये साधारण भावना नहीं है, हर कोई नहीं भाव सकता। जिनके अंदर सम्यक दर्शन का वात्सल्य गुण होगा, जिनके अंदर सम्यक दर्शन के आठे गुण होंगे, वही व्यक्ति इस प्रकार की भावनाओं को लेकर समाज के बीच में कल्याणकारी मार्ग दे सकता है। जिनके अंदर ये भावनाएं नहीं है, सम्यक दर्शन का अंग के एक भी गुण नहीं है, वह किसी की कल्याण के बारे में सोच ही नहीं सकता, वो मात्र स्वयं के लिए जीता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही तो अंतर है कि मिथ्या दृष्टि मात्र खुद के स्वार्थ के लिए जीता है, और सम्यक दृष्टि अपने और स्वयं के लिए, सारे संसार के लिए जीता है। और इसी कारण इसके लिए सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंद चरित्र साकाड्यम मुनिगण वेगाकिरणम आचार्य महाध्वम, ऐसे आचार्य परमेष्टि जो कल्प वृक्ष के समान हमारे बीच में है। इन्होंने लगभग 30-35 साल से संयम की साधना की हो, उनका जीवन कितना पवित्र होगा कल्पना कर सकते हैं आप। एक दिन क्या उपवास करते, 10 लक्षण के 10 उपवास क्या करते, आप अपने आप को बड़े धर्मात्मा समझने लगते हो। लेकिन जिन्होंने 35 साल से 5 महाव्रतों का पालन किया है, ब्रह्मचर्य की साधना की है, 10 धर्मों का पालन किया है, 28 मूल गुणों को निरतिचार पालन किया है, उनकी आत्मा कितनी पवित्र हो चुकी होगी, उनका जीवन कितना पवित्र हो चुका होगा। और ऐसे गुरुओं के मात्र दर्शनम, इसलिए तो कहा है साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधुवा कालेन फलति तीर्थम सत्य साधु समागमा। अचेतन प्रतिमाओं के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होगा उसका फल तुम्हें कालांतर में प्राप्त होगा, लेकिन अगर निर्ग्रंथ साधु आचार्य परमेष्ठियों के दर्शन करते हो तो उसका फल तुम्हारे लिए तत्काल प्राप्त होगा, क्योंकि वे चलते फिरते तीर्थ है, वे रत्नत्रय स्वरूप है। और फिर ऐसे आचार्य परमेष्ठि के द्वारा अगर धर्म तीर्थ की उत्पत्ति होती है, एक तो वो तीर्थंकर होते हैं जिनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, और इस पंचम काल में वे हमारे आचार्य गुप्तिनंदी महाराज हैं जिन्होंने धर्म तीर्थ का निर्माण किया और सारे संसार में धर्म का और तीर्थंकरों की मार्गों की देशना का शंखनाद किया। धर्म का स्वरूप कई बार दर्शन करने का अवसर मिला, छोटी सी मूर्ति कीर्ति महान, गुरुदेव की मूर्ति भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल में जगन्नाथ में, सही है ना, मुझे याद नहीं स्मरण में भोपाल में ही जन्म हुआ है ना आचार्य श्री का माता जी, बराबर है ना, मध्य प्रदेश की उस पावन धरा पर, भोपाल की उस पावन धरा पर आचार्य परमेश जी ने जन्म लेकर उस मध्य प्रदेश की भूमि को पावन किया, और कुंतुश सागर रूपी चरणों की गंगा में अवगाहन करके अपने जीवन को पवित्र किया, और उस जीवन से सारे संसार में धर्म की लहर जगाई। ऐसे हमारे महामना उदार मना जितने शब्द है वो सारे के सारे आचार्य परमेष्ठी के लिए कम लगते हैं। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव गुप्तिनंदी गुरुदेव के बारे में कहना है क्या, इनके अंदर कितने गुण है, ये मैं आपके लिए पूज्यपाद आचार्य की बात को ही लेके कहूंगा कि पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि ये जब योग्य शासक, जब योग्य आचार्य, जब इतने गुणों से सहित हो जाता है
तो वह धर्म को प्रवर्तन करने के लिए योग्य हो जाता है, वह धर्म की बात कहने के लिए योग्य हो जाता है। उसके लक्षण हमारे आचार्यों ने दिए हैं और वो लक्षण हमारे सारे के सारे आचार्यों के ऊपर, जिनका आप संयम वर्ष मना रहे, जिनकी आप संयम की जन्म जयंती मना रहे हैं, जिनके प्रति आप नतमस्तक हो रहे हैं, वे सारे के सारे गुण हमारे आचार्य परमिष्ठ में हैं। आचार्य भगवान ने उनका थर्मामीटर दिया है। जैसे आपकी डॉक्टर कौन, इंजीनियर कौन, इसकी डिग्रियां होती हैं, वैसे हमारे आचार्य परमेश कौन से गुणों से सहित होना चाहिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा जीव है कि जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, धर्म को सारे संसार में कहने के पात्रता योग्य रखता है, तो उस पात्रता के लक्षण हमारे आचार्य ने दिए। आचार्य क्या कहते, देखिए पूज्यपाद स्वामी, प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र प्रवृत्त लोक स्थिति प्रास्थाशा प्रतिभा पर प्रशवमान रागेव दृष्टोत्तरा प्राया प्रश्न सह प्रभु परमनो हरि परानिंदया ब्रूयाम धर्म कथाम गणे गुण निधि स्पष्टमेष्टाक्षर। बहुत ही सुंदर बात आचार्य भगवान ने कही। प्राज्ञा, बुद्धिमान होना चाहिए, जिनके लिए वर्तमान सारे शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, जिनकी प्रज्ञा, जिनकी प्रज्ञा, और आचार्य श्री का विशेषण भी वही है, प्रज्ञा योगी। जो प्रज्ञा के धनी है, जो प्रज्ञावान है, और ऐसा प्रज्ञावान क्योंकि जिसके लिए शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, वो दुनिया के लिए क्या शास्त्र बताएगा। और आज उसी का दुर्भाग्य पंचम काल में, जिसके लिए दो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, प्रवचन कला का ज्ञान नहीं है, वो भी शास्त्र का गद्दी पे बैठ के धर्म की बात देखते, इसलिए तो आज हमारे समाज में विघटन की स्थिति निर्माण हो रही है, इसलिए तो आज हमारी समाज पंथों में और संप्रदायों में बट रही है। ये दुर्भाग्य है इस पंचम काल का। लेकिन ऐसे समय भी जो धर्म के प्रति निष्ठ हो, जो आगम के प्रति निष्ठ हो, ऐसे गुरुओं का सानिध्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा, ये हमारा पुण्य है, ये हम सब लोगों का पुण्य है कि जो हमारे लिए ऐसे गुरुओं के लिए सानिध्य। प्राज्ञा अर्थात जो प्रज्ञावान है, जिनकी बुद्धि प्रखर बुद्धि है, जो चतुराई से युक्त है, जो आगम के तल स्पर्श का ज्ञान जिनके लिए प्राप्त हो चुका है, ऐसे जो होते हैं वे गुणवान होते हैं। और ऐसा ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, धवला महाधवला जय धवला आदि सिद्धांत ग्रंथों के जो पारगामी हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत के मर्मज्ञ हैं, वो प्रज्ञावान हैं। और अज्ञ ऐसे जो प्रज्ञा योगी है, वे इस प्रकार के गुणों से सहित है, इसलिए तो आचार्य कुंदु सागर महाराज जी ने इनके लिए एक आचार्य के संस्कार देके इनके लिए उस योग्य बनाया कि एक कल्प वृक्ष के समान सारे संसार के मनोरथों को पूर्ण करे। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, बुद्धि होना अलग है और सारे शास्त्रों का हृदयंगम करना अलग है। जिन्होंने नए निक्षेप मार्गण आदियों के द्वारा आगम के यथार्थ को जिन्होंने हृदयंगम कर लिया है, जिन्होंने गुरुओं के पास रहकर आचार्य कनक नंदी, आचार्य कुंत सागर महाराज के चरणों की सेवा करके जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र को अपने हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया है, तभी तो वे समाज के लिए कुछ दे पाते हैं, शिष्यों के लिए कुछ दे पाते हैं। अगर स्वयं के पास ही नहीं होगा तो किसको देंगे। अपने गुरुओं से जो उन्होंने प्राप्त किया, अपने गुरुओं से जो आगम का रहस्य उन्होंने प्राप्त किया, इन सारे रहस्य प्राप्त प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय वर्तमान में जितना साहित्य उपलब्ध है, वह पूज्य गुरुदेव ने अपने हृदयंगम कर लिया है, उसको अपने जीवन में उतार लिया है, उन शास्त्र को अपने जीवन में चरितार्थ किया। प्रवेक्त लोक स्थिति, आचार्य परमेष्ठी जहां जाते हैं वहां की समाज, मतलब जिनके पास इतनी प्रज्ञा हो कि जो सामने वाला आया हुआ व्यक्ति है उसके मनस्थिति क्या है। प्रवेक्त लोक स्थिति, जो वर्तमान की समाज की आवश्यकता क्या है, समाज क्या चाहती है, लोगों के मानसिकता का ज्ञान जिनके लिए पहले ही हो जाता है।
ऐसे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, हर आचार्य मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो शिष्यों की मन की बात जान लेते हैं, समाज के लोगों की मन की बात जान लेते हैं और वह क्या चाहते हैं, उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार उनके लिए संबोधन जो देते हैं वह प्रव्यक्त लोक स्थिति गुण से युक्त है। प्रासाशः जो निष्प्र है, जिन्होंने अपने शरीर से असंसार के विषय मोह माया से जिन्होंने निष्प्रता को धारण कर लिया है, जो अत्यंत निष्प्र है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो होते हैं वो आचार्य परमिष्टि होते हैं। क्योंकि अगर उसे किसी से स्पृहा होगी, किसी से लगाव होगा, तो वे दूसरे का कल्याण नहीं करते। श्रावक क्यों नहीं कर पाता दूसरे का कल्याण? क्योंकि श्रावक को अपने परिवार का मोह है, श्रावक को अपने बच्चों का मोह है, बीवी का मोह है, अनेक प्रकार के लोगों का मोह है, इसलिए वह श्रावक दूसरे के कल्याण की बात को सोचता ही नहीं है। लेकिन साधु अपने शरीर परिवार तो बहुत दूर, वो तो 25-30-40 साल पहले ही छूट गया, लेकिन जो अपने शरीर से भी निष्प्रह है, जिनके लिए किसी भी प्रकार का राग नहीं है, संसार शरीर भोगों से जो विरक्त है, लेकिन सबको जो वात्सल्य देते हैं, सबके प्रति जो करुणा का भाव रखते हैं, ऐसे जो गुणों से संयुक्त होते हैं, वे आचार्य परविष्टि होते हैं। प्रतिभा परा प्रतिमावान, जिनकी प्रतिमा सूर्य के समान तेज से प्रकट होती है, जो सूर्य के समान प्रतापवान होते हैं, ऐसे जो प्रतिभा के धनी होते हैं। और प्रतिमावान, जितना सूर्य तपता है तो उसकी गर्मी हमारे लिए सहन नहीं होती है, लेकिन हमारे आचार्य परमेष्टि जितने प्रतापी होते हैं उतनी ही कषायों की मंदता होती है, उतने ही उनके प्रशम भाव होते हैं, उतने ही उनकी, ऐसा नहीं है कि अग्नि के समान तेज तो अग्नि जलाती है तो हमारे आचार्य के पास अगर आओ तो हमारे आचार्य भी आपको जला देंगे, नहीं, वे आपके ऊपर अमृत का सिंचन करते हैं, वे अमृत महोत्सव मनाते हैं, वे आपके ऊपर दया और करुणा की बरसात करते हैं। और ऐसे आचार्य परमेश्वर का सानिध्य जिन आत्माओं के लिए प्राप्त होता है, तो समझ लो उन आत्माओं का कल्याण तो निश्चित ही है। प्रागेव प्रस्तुतरा, बोले इनकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है कि तुम आने के पहले ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, तुम प्रश्न करो उसके पहले ही उनका आंसर उनके प्रवचनों में आपके लिए प्राप्त हो जाता है। ऐसे गुणों के जो धारक होते हैं, ऐसे गुणों से जो श्रेष्ठ होते हैं, वे आचार्य प्राय प्रश्न सहा। कभी कभी दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, तो कभी कभी बुरे लोगों की बुरी बातें भी सुनना पड़ती है, जो सहनशील हो। सहनशील नहीं है तो वो आचार्य नहीं बन सकता, क्योंकि शिष्यों की बातें सुननी पड़ती है, समाज की भी बातें सुननी पड़ती है। टेम्पर, जो शॉर्ट टेम्पर वाला होता है वो आचार्य नहीं बन सकता। गंभीर व्यक्तित्व के धनी ही आचार्य होते हैं, जैसे सागर गंभीर होता है, वैसे जो गंभीरता को धारण किए होते हैं, जिनको बात बात पे गुस्सा आता है, किसी की बात सहन नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति कभी गुरु बनने के योग्य नहीं होते। ऐसे व्यक्ति अरे घर में नहीं टिक सकता। और आजकल की जनरेशन ऐसी है, इनको माँ बाप की बात भी अच्छी नहीं लगती है। तो बंधुओं, तो ये गुण बहुत ही प्राय प्रश्न, किस किस प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। अच्छे भी लोग आते, बुरे भी लोग आते, कोई अर्घ चढ़ाता है तो कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन इन सारे बातों को अपनी समता की लहर से जो सहजता से भाव से स्वीकार करते हैं और मन में किसी भी प्रकार का दुरा भाव मन में नहीं आने देते हैं, ऐसे गुणों से प्रभु जो स्वामित्व होते हैं, स्वामीपने को धारण करने के योग्य होते हैं, सारे संसार में जिनकी वक्तृत्व कला अच्छी होती है, जो परमनोहारी दूसरे का मन को हरण करने वाले मनोज्ञ होते हैं, वे आचार्य परमेष्टि गुणों से युक्त होते। परा अनिंदया, जो दूसरों की कभी निंदा चाड़ी चुगली नहीं करते, हमेशा दूसरों की प्रशंसा ही करते हैं,
कितना भी अपने निंदा करने वाले भक्त के भी बारे में भी अच्छा बोलते, जो दुश्मन को भी आशीर्वाद, दुश्मन तो होता ही नहीं उनका, लेकिन जो दुर्जन है ऐसे दुर्जन स्वभाव वाले के लिए भी जो आशीर्वाद की बरसात लुटाते हैं वे परा अनिंदया, वे इन गुणों से सहित होते। अगर हमारी कोई बुराई करे तो हम तो बहुत जीवन पर्यंत उससे द्वेष रखते हैं, लेकिन जो क्षमा की मूर्ति हो, जो पृथ्वी के समान सहनशीलता की मूर्ति हो, ऐसे जो गुणों से युक्त होते हैं वे ब्रुया धर्म कथाम गणी, बोले ऐसे गुणों के जो धारक होते हैं वे इस संसार में धर्म कथा के पात्र हैं, वे ही आचार्य हैं, गणी गुण निधि स्पष्ट, बोले जो ऐसे स्पष्ट और मधुर भाषी होते हैं वे ऐसे गुणी जो होते हैं वे जिनवाणी का, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करने की योग्य होते हैं। तो ऐसे संपूर्ण गुणों के जो मैंने बताया सारे के सारे गुण हमारे आचार्य गुप्त नंदी महाराज में कूट कूट के भरे, ये सारे के सारे गुणों के धनी वे आचार्य परमेश जी हैं। और ऐसे गुरुओं का जिन्होंने पापों से अपने आप को गुप्त कर लिया है, गुप्ती नंदी का अर्थ का मालूम है आपको? कभी गुप्ती होती है, गुप्ती का मतलब है जो अपने मन वचन काय की अशुभ चेष्टाओं से हमेशा के लिए जो दूर है वो गुप्ती होता है, और जो पापों से दूर हो जाता है वही अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता है, उसी का नाम गुप्ती नंदी है। जिन्होंने अपने जीवन को पापों को कोस दूर कर दिया है और जो भगवान की भक्ति का आनंद स्वयं भी लेते हैं और सारे संसार को भी कराते हैं, ऐसे जो गुणों के धारक हैं वे हमारे आचार्य गुरुदेव गुप्त नंदी महाराज हैं, जो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, बहुत कुछ प्राप्त किया है, और आखिरी में उस धर्म का फल, धर्म तीर्थ का निर्माण करके सारे संसार के लिए धर्म की देशना, धर्म का स्वरूप समझाने का कार्य हमारे आचार्य परमेश जी ने किया है। तो ऐसे महान गुणों के धारक हमारे आचार्य परमेश जी है, तो ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे लिए उनके गुणानुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य परमेश जी का संदेश आता है, छोटे बच्चे हैं, अवज्ञा कर देते हैं, मानते नहीं है, क्योंकि हम भी आपके ही शिष्य है, तो आपको मालूम है कि शिष्य गए होते हैं और जवाबदारियां क्या होती हैं, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती है गुरुदेव, लेकिन फिर भी गुरुदेव उस गलतियों को सारा नजरअंदाज करके हमारे लिए बोलने के योग्य बनाते हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो कई वर्षों से जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, जिन्होंने कई गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया है और आगम के सारे रहस्य को समझा है, लोगों के लिए धर्म की देशना दे रहे, और जिन शासन की प्रभावना पूर्ण भारत वर्ष में जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से की है, ऐसे गुरुदेव के इस संयम वर्ष का उपलक्ष्य में, सभी आचार्यों के संयम दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो बड़ी भक्ति से गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, वही अपने जीवन का अनमोल है। जो समय हमारा गुरु चरणों में बीतता है वही समय हमारा है, बाकी कोई संसार में हमारा नहीं है। मैं आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि वो प्रतिदिन गुरु का विशेष रूप से, हारिका माता का विशेष रूप से आपके लिए संबोधन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मंत्र उच्चारण मिलता है, और आप इस सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य समझो कि हमारे लिए ऐसे महान गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग बड़े भाग्यवान है। मैं गुरु चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमन करता हुआ मेरे दो शब्दों को यही विराम देता हूं कि आपकी आयु आरोग्य अच्छा रहे, और जिन जिन आचार्यों को आप ये संयम दिवस मना रहे हैं उन सभी आचार्य परमेश जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान चंद्र प्रभु यहाँ की मंदारगिरी के मूल नायक अति श्री चरण, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि धर्म तीर्थ की उन्नति निरंतर होती रहे, गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और वे इसी तरह जिन शासन की प्रभावना करते हुए सूर्य और चंद्रमा के समान सारे संसार में तेजस्वी बने रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज का यह उद्बोधन यही विराम देता हूँ। केवल परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ति गुरुदेव की जय।
वाह स्वामी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अद्भुत, अप्रतिम, सार गर्भित, आगमुक्त, सटीक, सतर्क और सब प्रमाण, बहुत सुंदर उपदेश। हमारे मुनिषी अमर कीर्ति जी ने मैंने कहा था ना कि नाम अमर कीर्ति है, और वाकई में आप जिनागम कीर्ति को अमर कर रहे हैं, नाम को सार्थक कर रहे हैं। मेरा आपको प्रति नमोस्तु, और बहुत सुंदर प्रवचन के लिए आपको बहुत सारा बधाई, शुभकामना, आभार। यही हमारे प्लग दिया था महाराज जी गुरुओं का आशीर्वाद दिया था, इसलिए मैंने कुछ भी सोचा नहीं था। अच्छा, लेकिन बहुत सुंदर, एकदम मंत्र को मुग्ध करने वाली आपकी व्याख्या रही। एक आचार्य का व्यापक स्वरूप जो हमारे बड़े प्रतिक्रमण में शुल्ल का आलोचना भक्ति में आता है, उस भक्ति का बहुत सुंदर आचार्य भक्ति का आपने स्वरूप बताया, और इसी बात को आचार्य भवन कुंकुद स्वामी ने माना है। कुंकुद आचार्य कहते हैं कि अजबी तिरण सुधा अप्पा झाउंड नहीं इन दत्तम लोयत्तम देवतंत्री बुद्धिम जयंती। वे कहते हैं कि आज भी तीन दत्तों शुद्ध इस पंचम काल में रत्न त्रय को धारण करने वाले निरंतर साधु हो रहे हैं। वे निरंतर आत्म साधना करते हुए, यही आत्म साधना क्या है, तो धर्म साधना ही आत्म साधना है, क्योंकि न धर्मो धार्मिक के बिना। बहुत अच्छी व्याख्या आपकी रही आज, और चार लाइन में उनकी बात का मिसाल रखूंगा कि संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, श्रद्धा से चरण पूज लिए जाते हैं, वंदना करो इन तपस्वियों की, वंदना करो इन तपस्वियों की जो कलिकाल में दिगंबर वेश को अपनाते हैं, जो कलिकाल में दिगंबर वेश को अपनाते हैं। मैंने इसलिए एक माह का मनाया वर्धमानोत्सव, महावीर जयंती पर हमने बनाया पूरे एक महीने वर्धमानोत्सव, फिर एक महीने मनाया हमने वृषभोत्सव, अक्षय तृतीया के रूप में एक महीने मनाया वृषभोत्सव, और पूरे एक माह मनाया ज्ञानोत्सव। जून महीने में 10 दिन के विशाल महाशिविर से ज्ञानोत्सव हुआ, शुद्ध पंचमी महोत्सव हुआ, उसके पश्चात ये महीना आया संयमोत्सव। 1 जुलाई से परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महामहाराज के जन्मो संयम से इस उत्सव की शुरुआत की है। अकेले एक दिन का नहीं मनाते हम लोग, पूरे एक महीने का मनाया है। बहुत महान भवो, आपकी सूझबूझ है, लोगों का ऊपर उपकार है आपका। 1 तारीख को आचार्य ऋषि का जन्मदिन पे उसका समापन करेंगे, अगला कुछ चलाएंगे। 1 तारीख को आचार्य श्री शांति सागर जी से संयम दिवस के उपलक्ष्य में शुरुआत हुई थी, और 1 अगस्त को आचार्य श्री मुक्तिनंद जी गुरुदेव के जन्म जयंती महोत्सव के उसके संयम दिवस की समापन समारोह रहेगा। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। यही बात हमारी जिनवाणी कहती है कि जब किसी में गुण दिखाई दे, जब किसी में गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए, अच्छे से फोटो ले लीजिए, और जब किसी में अवगुण दिखाई दे तो क्या कीजिए, मन को आईना बना लीजिए, झांक लीजिए अपने अंदर कि कहीं वे अवगुण हमारे अंदर तो नहीं है। इसलिए आचार्य बताया परानिंदया, कि जो कभी किसी की निंदा ना करे, ब्रूया धर्म कथाम गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, जो गुणों की निधि हो और स्पष्ट मिष्ट अक्षर जिसके हो। बहुत अच्छी बात हमारे मनुष्य ने कही कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, यदि प्रज्ञा नहीं है तो शास्त्र क्या करेंगे। इसलिए जो आचार्य बताया है प्राज्ञा बताया हुआ है, और हमारे मुनिषि अमर कीर्ति अमोघ कीर्ति जी का बड़ा सौभाग्य है कि उनके धर्म पिता प्रज्ञा श्रवण हैं, और उनका मैं धर्मानुज, मुझे गुरुदेव ने, आचार्य गुरुदेव करणकंदी गुरुदेव ने 1997 में विज्ञान संगोष्ठी मुझे प्रज्ञा योगी पद दिया था, और इस अभी 10 दिन के शिविर में आचार्य गुरुदेव आचार्य शिकुम सागर जी ने ज्ञान दिवाकर कहा ये सब ठीक है, मैं तो इतना जानता हूँ कि ये सब समाज को बताने और सिखलाने के लिए है, अपन तो 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में
एक आखिरी नंबर अपने लग गया था अपना कल्याण है बेड़ा पार। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी एक ऐसे महान आचार्य हैं जिन्होंने इस पंचम काल में जहां श्रवण परंपरा का विच्छेद सा हो रहा था, मात्र दक्षिण भारत में कतिपय मुनिराज दिखलाई दे रहे थे, तब उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने संघर्ष किया और जहां संघर्ष होता है वहीं सफलता की मिठाई मिलती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जहां में खुशबू ना होती अगर गुलाब ना होते, जहां में खुशबू ना होती अगर गुलाब ना होते, ये भारत मुक्त ना होता अगर संग्राम ना होते। हृदय की बात कहता हूं जरा तुम ध्यान से सुनना, हृदय की बात कहता हूं जरा तुम ध्यान से सुनना। यहां मुनिराज ना होते, यहां मुनिराज ना मिलते आचार्य शांत सागर ना होते। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महामुनिराज, उनका बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा उनका संकल्प है कि मैं पूरे भारत देश में दिगंबर मुनियों की जीवंत झांकी प्रस्तुत कर दूंगा। ये संकल्प उन्होंने पूरा किया और अभी उनकी भादो शुक्ला दूज को आ रही है पुण्यतिथि, तो उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे और बहुत उत्सव महोत्सव मनाएंगे। अभी आज हमारे बीच में आए मनुष्य अमर कीर्ति जी, और ये नाम से अमर कीर्ति नहीं है बल्कि काम से अमर कीर्ति है। इन्होंने आचार्य शांति सागर जी, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य कुंतु सागर जी, आचार्य देव नंदी जी और उसमें मैं भी, हम सब नंदी परंपरा के आचार्य की कीर्तियों को, कीर्ति को इन दोनों शिष्यों ने उज्जवल किया है। मुंबई जैसी माया नगरी में रहकर के उन सारे जैन शौकों को जैनिज्म का एबीसीडी इन्होंने सिखलाया, और मुंबई जैसा महानगर आज इन दोनों मुनिराजों का दीवाना है। मैं देखता हूं रोज ये शाम के समय जो सिखलाते हैं, पाठ लेते हैं, पढ़ाते हैं, बतलाते हैं, उसमें देश और विदेश के अनेकों लोग लाभ ले रहे हैं। और आपने उन भक्तों के दान का दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग किया। इन्होंने उनको प्रेरणा देकर के स्वर्ण बेलगोला में चामुंड्राय बस्ती जैसे सुंदर से मंदिर का जीर्णोद्धार का संकल्प अपने हाथ में लिया, और अभी मंदारगिरी में रहकर के जो तुमकुर में मंदारगिरी कर्नाटक में आता है, कौन करता अपने लिए, लेकिन मंदारगिरी तीर्थ का भी भव्य विकास करने में, जीर्णोद्धार करने में अमर कीर्ति अमोक कीर्ति मनोयोग से लगे हुए हैं। हमें हमारे इन दोनों गुरु भाई के शिष्यों पर, दोनों शिष्यों पर हमें गर्व है। बहुत बढ़िया और अच्छी वाणी के प्रखर वक्ता हैं, दोनों के अंदर आपस में प्रेम है और दोनों सूरज चांद बनकर के चलते हैं। और वह जो आगम की वाणी है जो हम पढ़ते हैं कि रैणक तयम च वंदे चौबीस जड़ित सबदा वंदे पंच गुरु नाम वंदे चरण चरण सदा वंदे, तो चारण युगल मुनिराज के रूप में युगल मुनि हमारे ये चलते हैं और दोनों मिलकर के दो शरीर एक जान की तरह रहते हैं। आपस का प्रेम इनका बड़ा अच्छा है और गुरुओं के प्रति इनकी मेरे अगाध श्रद्धा भक्ति है। इन्होंने देवनंदी और गुप्ती नंदी इसमें कोई फर्क नहीं रखा है, यही शिष्य की महानता है। और हम लोग भी, चाहे हमारे आचार्य श्री देवनंदी जी हो, चाहे मैं हूं, हम लोग, चाहे हमारे मुनि श्री अमर कीर्ति अमोक कीर्ति हो, चाहे शेष गुप्त चंद्रगुप्त हो, चाहे कोई भी साधु हो, हम किसी के अंदर कभी भेदभाव रखते नहीं है। हमारे गुरु ने सिखलाया ही नहीं है, बल्कि हमारे गुरुदेव ने तो यह सिखलाया, आचार्य कुंस गुरुदेव ने सिखलाया है कि जब भी मिलो दूध में मिश्री की तरह मिल जाओ। मिश्री बहुत छोटी होती है पर वह जब जाकर दूध में मिलती है अपने आप को मिटा देती है, तो वही मिश्री उसका रूप व्यापक बन जाता है और वो दूध के समान विशाल मिठी हो जाती है। इसी बात को एक शायर ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगरचे मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगरचे मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता।
दाना बहुत एक बीज होता है, वो बीज जिस समय मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में जाकर के अपने अस्तित्व को मिटा देता है, खत्म कर देता है, लेकिन वही दाना मिट करके एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, गुले गुलजार होता है। यही क्षमता, यही सुंदरता, यह प्रतिभा हमारे गुरुदेव ने, चाहे वो आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव हो, चाहे आचार्य विमल सागर जी हो, चाहे आचार्य कुंद सागर जी हो, उन सब में परंपरा से चली आई है। वही विशालता हम आचार्य देवनंद जी के अंदर देखते हैं और वही विशालता हमारे अमर कीर्ति अमर कीर्ति में दिखलाई देती है। विनम्रता है, सरलता और सज्जनता है, यही आपका सबसे बड़ा सद्गुण है। इसलिए आपसे भी कहना चाहता, अपनी सुंदरता यदि आपको देखना है तो सुंदरता दर्पण में नहीं, लोगों के हृदय में खोजिए। जैसे हमारे दोनों मुनिराज, मैं जब भी मुंबई के लोगों को देखता हूँ तो वे बड़ी श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, भक्ति से स्मरण करते हैं और आज जुड़े हुए हैं। यदि आज मुंबई हमारे दोनों मुनिषि पहुंच जावे, अमर कीर्ति अमोक कीर्ति, तो पूरा मुंबई उनके ऊपर लौट पड़े। लेकिन अच्छा है, जैसे गुरु नानक जी एक गांव में गए और वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बढ़िया स्वागत किया, सम्मान किया, सत्संग किया, सब कुछ किया। और जब जाने का समय आया तो जाते समय पर सारे गांव के लोग गुरु नानक जी से कहा, गुरु नानक जी हमको आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तुम सब उजड़ जाओ। शिष्य लोग साथ में थे, उनको बड़ा अटपटा लगा कि इतनी भक्ति, इतनी सेवा इन्होंने की, और उसके बाद में जब आशीर्वाद मांगा तो ये कह रहे तुम सब उजड़ जाओ, ये क्या बात हुई? अरे रहस्य समझ में नहीं आए। फिर गुरु नानक जी अपने शिष्य मंडली के साथ दूसरे गांव में गए, और वहां गए तो जिस गांव के अंदर गए वो गांव के लोग बहुत दुष्ट थे, कोई सामने से वेलकम किसी ने नहीं किया, किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने व्यवस्थाएं नहीं की। वे करीब उस गांव को सुधारने के लिए करीब 4-5 दिन वहां पर रहे, परंतु कोई प्रकार का सदव्यवहार नहीं मिला, एक आध दुख के कुछ लोग, लेकिन सबके दुर्व्यवहार थे। और जब जा रहे थे तो उनने कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, लेकिन उसके बाद भी गुरु नानक जी ने कहा कि तुम सब यहीं बसे रहो। शिष्य लोग आगे जाने के बाद उन्होंने कहा, गुरुजी, गुरु नानक जी, आपकी ये पहेली हमारे समझ में नहीं है। उन्होंने कहा, देखो भाई, जो संत होते हैं तो संत की वृत्ति अलौकिक होती है, और यही बात हमारे आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रसिद्ध उपाय के अंदर कही है, मुनि नाम भवन की अलौकिक वृत्ति, मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है। हम लोग सब आपसे उल्टे चलते हैं, आप लोग दो हाथ से कमाते हो पर एक हाथ से नहीं खा पाते, और हम लोग एक हाथ से भी नहीं कमाते पर दोनों हाथ से खाते। आप लोग कपड़े पहनते हो पर हमने कपड़ों को छोड़ दिया, आप घर में बसते रहते हमने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। आप केशों को सजाते हो, हम इनका लोचन कर देते। आप ब्रेड खाते, हम लोग खड़े होकर खाते। आप थाली गिलास छोटे चम्मच में खाते हो, हम हाथ में खाते हैं, हमारा सब आपसे उल्टा है। शिष्यों ने पूछा गुरु नानक जी से, गुरु नानक जी क्या बात है, जिनने आपकी खूब सेवा की, भक्ति की, उनको आपने कहा तुमसे उजड़ जाओ, और जो कुछ नहीं करे, आपके लिए दो शब्द अच्छे से नहीं कहे, कुछ लेकर के नहीं, उनको आपने कहा यहीं बसे रहो। बोले मैंने सही कहा। बोले क्यों? बोले ये जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, विनम्र हैं, गुरु भक्त हैं, यदि ये उजड़ जाएंगे, मतलब यदि ये सब जगह फैल जाएंगे, तो सब जगह पर अच्छाई को फैलाएंगे, सद्भावना को फैलाएंगे, सत्प्रवृत्ति को फैलाएंगे, सदाचार को फैलाएंगे, और जो गांव के लोग दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, वो यदि वहीं के वहीं बसे रहे तो गंदगी बाहर नहीं बिखरेगी, नहीं फैलेगी। यही आशीर्वाद हमारे गुरुओं ने हम सबको दिया है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, चाहे वो आचार्य देवनंदी जी हो, चाहे आचार्य गुरुधनंदी जी हो, चाहे आचार्य गुप्तनंदी हो, हम लोग सभी उनके आशीर्वाद से हम लोग सब उजड़ चुके हैं, दीक्षा लेकर के जहां तहां सब जगह फैलते जा रहे हैं। और उसी में हमारे अमर कीर्ति अमोक कीर्ति शेष गुप्त चंद्र गुप्ता जो भी हमारे शिष्य हैं, ये सब भी उन्हीं गुरु का आशीर्वाद करके उजड़ चुके हैं, और जहां उजड़ते हैं, जहां जाते हैं, वहां चमन बना देते हैं। आज तुमकुर में
जो रौनक आई है, पहले कभी आचार्य गुरुदेव पहले गए थे 1982-83 के अंदर में, और जैसी भक्ति जैसा आनंद उस समय था, वही का वही उत्साह आज तुमकुर में छा गया है। ये सब कुछ हमारे दोनों शिष्यों की बहुत बड़ी मेहनत है। जहाँ जाते हैं लोगों को अच्छे संस्कार देते हैं, और कितना सुंदर उन्होंने दिया है एबीसीडी ऑफ जैनिज्म। बिल्कुल सुनीता जी, आपकी भावना बहुत अच्छी है, उजड़ने की भावना आपने भाई है। बस आपके दो बच्चे उनकी सेटिंग आपकी बैठ जाए, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तो आशीर्वाद देंगे आप भी उजड़ जावे। उजड़ मतलब उजड़ा, मतलब उज्जवल हो जाइए। उजाला, उजाला जिसको बोलते हैं, उजड़ा बोलते हैं, तो वही उजड़ना कहलाता है, उजाला हो जाना कहलाता है। बहुत अच्छे आनंद से आप लोग संगोष्ठी का लाभ दे रहे हैं, और संयम उत्सव में हमारे अमर कीर्ति जी ने आज चार चांद लगा दिए। अमोक कीर्ति जी आए, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और अभी उन्होंने छांव मांगी।